आज हम बना रहे हैं मेरिंग कुकीज़ अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास स्टैंड मिक्सर और ये है मेरे पास चार एग वाइट्स इनको मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अब हम फेटेंगे, विस्क करेंगे और यहीं पे मैं ऐड करूँगी विनेगर विनेगर हम लेंगे वन बाय फोर टी स्पून ये देखेंगे ये वन बाय फोर टी स्पून मैंने लिया है ये मैंने इसमें ऐड कर दिया अब हम इसे विस्क करेंगे ये देखें इस झाग वाली स्टेज पे हम इसमें 200 ग्राम चीनी ऐड करेंगे चीनी बहुत ही फाइन पिसी हुई अगर नहीं है तो आप जो है अपनी मोटी चीनी को खुद पीस लें ये देखें यहाँ मैंने 200 ग्राम चीनी ली थी ग्रैनुलेटेड शुगर उसको मैंने पीस लिया और अब मैं वन टी स्पून कर रही हूँ इसको मैं तीस सेकेंड के लिए कम से कम विस्क करूंगी उसके बाद फिर मैं वन टी ऐड करूँगी आपने बहुत ही आराम आराम से स्लोली इसके अंदर चीनी को ऐड करना है ताकि वो अच्छे से एग वाइट्स के अंदर मिक्स होती जाए अगर पाउडर फॉर्म में चीनी जो है वो दानेदार सी हमें महसूस होगी कुकीज़ के अंदर तो वो बाद में जो है अच्छा टेक्सचर नहीं देगी हमारी मेरिंग कुकीज़ का तो ये देखिए मैंने सारी चीनी आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें ऐड कर दी है और हमारी अंडे की जो सफ़ेदी है वो कितनी ज़बरदस्त फिट चुकी है बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी है और बहुत स्टेफ है ये देखिए मैं चम्मच को भी आपको उल्टा करके दिखा रही हूँ बिल्कुल नहीं नीचे गिर रही ठीक है इस स्टेज पे आप इसके अंदर वनीला एसेंस टू ड्रॉप्स डाल दें अगर आप भूल जाएं जैसे कि मैं भूल चुकी हूँ मुझे बाद में याद आया था तो आप बाद में भी स्पैचुला से मिक्स कर सकते हैं तो इसको हम बहुत अच्छे से फेंटेंगे और जब आप इस फ्लफ़ी मिक्सचर को अपने हाथ पर टच करके देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये बिल्कुल सॉफ्ट है इसमें चीनी के दाने बिल्कुल महसूस नहीं हो रहे तो ये देखें मैंने बाद में वनीला एसेंस इसके अंदर ऐड कर दिया है और हल्के हाथ से हम वनीलासेंस को अपने एग वाइट्स के मिक्सचर में फोल्ड करते जाएंगे। तो अब हम इसको पाइपिंग बैग में भरेंगे पाइपिंग करने के लिए हम एक ले लेंगे पाइपिंग बैग अगर वो नहीं है तो आप जिप लॉक बैग प्लास्टिक शॉपर भी ले सकते हैं विल्टन की मैं सिक्स पी वाली स्टार टिप ले रही हूँ इसको हम डाल देंगे पाइपिंग बैग में और आगे से मैं कट कर लूँगी प्लास्टिक को ये देखिए मैंने कट कर लिया है ग्लास के अंदर रखूंगी सबसे बड़ा कोई ग्लास ले लें और इसके अंदर हम एग वाइट्स का जो मिक्सचर है इसको मेरिंग के मिक्सचर को डालते जाएंगे इस तरीके से डाल लेंगे कि इसके अंदर कोई एयर बबल्स ना आए कोशिश करें कम से कम एयर बबल्स जो हैं वो आपके पाइपिंग बैग के अंदर आएँ तो ये अब रेडी है एक पैन को मैंने बेकिंग ट्रे को ले लिया था उसको मैंने फॉइल से कवर किया है फॉयल पर मेरी चिपकती नहीं है तो ये देखें मैं प्रेशर पहले लगा रही हूँ एक ही जगह पे रख के और फिर मैं अपनी पाइपिंग बैग को ऊपर उठा लेती हूँ छोटे बड़े मैंने यहाँ पे बनाए हैं तो इनको मैं रखूँगी बेकिंग ओवन के अंदर 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर दो घंटे के लिए ये टेम्परेचर देख लें नाइन्टी डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने इसे सेट किया है और मैंने इसे अभी डेढ़ घंटे के लिए रखा है अब हम कलर ऐड करेंगे बाकी के आधे मिक्सचर में यहाँ पे कोशिश करें आप लिक्विड के बजाय जेल कलर्स यूज़ करें उससे हमारी मेरिंग्स जो हैं वो पतली नहीं होंगी उसका मिक्सचर जो है वो नीचे नहीं बैठेगा स्टिफ ही रहेगा तो आप इसे दोबारा विप पे शक चाहें तो व्हिप कर सकते हैं ताकि कलर अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और अगर कहीं पे भी आपको लगे कि मेरी का मिक्सचर जो है वो बैठ गया है या पतला हो गया है तो आप विस्क दोबारा चला के उसे स्टिफ कर सकते हैं ये देखें ये गिर रही है नीचे ये थोड़ा सा सॉफ्ट कंडीशन है इसकी लेकिन फिर भी ये पाइप हो जाएगी अगर आप इससे ज़्यादा थिक चाहते हैं तो आप थिक करके दोबारा से विस्क करके फिर इसे पाइपिंग बैग में भर लें एक और ट्रे में ले रही हूँ यहाँ पे मैं पिंक फ़्लावर्स बनाऊंगी ये भी मैं थोड़ी सी बड़े साइज़ में कुकीज़ बनाऊंगी तो ये देखें हमने इस ट्रे को भी पाइपिंग बैग से फ़्लावर कुकीज़ बना के भर लेना है यहाँ पे मैं सारी की सारी कुकीज़ मेरिंग कुकीज़ एक ही साइज़ की बना रही हूँ अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए तो कोई बात नहीं किसी भी शेप की कुकीज़ हो वो आप बेक कर सकते हैं अच्छा अब देखें यहाँ पे मैंने अपनी सारा जो सारी जितनी भी ट्रेस थी वो सब की सब मैंने बेकिंग ओवन में एक ही दफ़ा रख दी हैं बेक होने के लिए अब जब आपके पास ज़्यादा ट्रेस होंगी तो आपने क्या करना है टेम्परेचर को 90 डिग्री सेंटीग्रेड रहने देना है लेकिन टाइम को आपने बढ़ा देना है मुझे यहाँ पे तकरीबन चार घंटे लगे हैं इस सारे बैच को यानी कि इन सब ट्रेस को बेक करने के लिए तो ये देखें एक घंटा आपके सामने आ रहा है बाकी मैं तीन घंटे जो है इन सबको रख के बेक कर चुकी हूँ बेक करने के बाद आपने इन कुकीज़ को बेकिंग ओवन में ही सारी रात पड़े रहने देना ये देखें मेरी कुकीज़ बेक हो चुकी हैं मुझे कैसे पता लगा टाइम मुझे कैसे पता लगा बिल्कुल उसी तरह जब मैंने एक कुकी को पकड़ा तो वो बहुत आसानी से फॉइल पेपर के ऊपर से उतर के बाहर आ गई और वो इतनी हार्ड थी कि हाथ से देखें ये देखें बहुत आसानी से ये उतर जाएगी बहुत हार्ड है आपके लिए तो फील हो जाएगी लेकिन आपने इसे बेकिंग ओवन में रहने देना है कोशिश करें कि अगर दोपहर में आपने कुकीज़ बनाई हैं तो आप इसे अगले दिन सुबह निकालें बेकिंग ओवन से बाहर ताकि इसके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट सारे का सारा निकल जाए ये देखें, ये हार्ड हो चुकी है कितने आराम से उतरा ये देखें अगर मैं इसे फेंक रही हूं तो उसकी आवाज कैसे आ रही है अब मैं इसे खा के दिखाती हूं आपको। अंदर तक क्रंची है ये मैंने कितने आराम से सारी उतार ली हैं। ये बहुत क्रिस्पी हैं। इन सबको मैं एक एयर टाइट जार में डाल दूँ का यही फायदा होता है ये सब की सब इंतहाई आराम से उतरा ठीक है एल्यूमिनियम फॉयल से बहुत आराम से कराती हैं पार्चिंग से थोड़ा सा टाइम लगता है कितनी जबरदस्त बनी है हमारी मेरिंग्स ये है एक सबसे बड़े साइज की इसको भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये देखें अंदर तक क्रंची ये देखें ये मैंने इसे जार में भी रख दिया है ठीक है अगर आपके पास जार नहीं है तो आप जो है इसे किसी में, टाइट में रख सकते हैं। लेकिन एयर एयरटाइट में ताकि ये उतनी ही क्रिस्पी रहे जितनी की इस वक्त लग रही तो इनशाला कल भी मैं आपको एक दिन बाद ही मैं आपको इनका रिजल्ट दिखाऊंगी ये कितनी ही क्रिस्पी है देखें बहुत क्रिस्पी है ये, ठीक है आप मेहमानों को सर्व करें टी केक के साथ बच्चों को खिलाएं, क्योंकि जरा मीठी होती है इसलिए बहुत ज्यादा नहीं खाई जाती थोड़ी थोड़ी खाई जाती है तो चार अंडे की जर्दियों में जो हमने अच्छी खासी क्वांटिटी बना लिया ठीक है तो इसको मैं एटाइड करके अभी बंद कर देती हूँ से ठीक है अपना ख्याल रखेगा फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा अल्लाह हाफिज